अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप और आईमो के बारे में। आप लोग अगर जो मैसेज भेजते हैं ना व्हाट्सएप से या आईमो से, तो आप एक एक करके जब आपको ज़रूरत पड़ता है डिलीट करने का, तो अब उस पर आप टिक करके एक एक बाजी आप उसको लगा के फिर उसके बाद में आप उसको डिलीट करते हो, ठीक है। तो उसको एक बैक में एक ही आदमी का, मतलब एक आईमो या एक व्हाट्सएप का, जो आपको जैसे कि मैं अभी बताता हूँ कि कैसे डिलीट करना है, उसको आपको एक ही आदमी का डिलीट करना है। तो किस तरीके से डिलीट करेंगे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा इस वीडियो से। और आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आदमी बहुत परेशान हो जाता है कोई भी मैसेज भेजता है ना, उसके बाद में उसको ज़रूरत पड़ती है क्या ना उसको डिलीट करने का। अगर कोई गलत मैसेज चला जाता है या बहुत पुराना मैसेज हो गया आपका, व्हाट्सएप का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा फुल हो जाता है, तो उसको कैसे क्लीन करें, मतलब एक 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 पर्सन का, ठीक है। अब अगर वैसा स्टोरेज से आप क्लीन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, यानी सबका जितना भी मैसेज रहेगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक ही आदमी का, दो आदमी का, तीन आदमी का अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। उसी के बारे में पूरा वीडियो और व्हाट्सएप आईमो के लिए है ये वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है और स्किप मत करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं अपना क्या ना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, पहले व्हाट्सएप का बता देता हूँ आपको। ये ट्रिक केवल जो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है डिलीट करते उनके लिए है, ठीक है। वैसे तो हर आदमी डिलीट करता है, तो ये सबके लिए है ये ट्रिक बहुत आसान तरीके से। तो मैं इसको वापस व्हाट्सएप को खोल लेता हूँ। उसके बाद में क्या नो आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं अपना क्या नो अपने वाइफ को भेजा था कुछ मैसेज, तो उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ अपना फ़ोटो शेयर किया था, ठीक है, तो इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर डिलीट बताएगा, ठीक है। तो ये डिलीट बताएगा, तो ये एक ही से एक, फिर उसके बाद में एक दो तीन चार ऐसे टैप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे के साइड एकदम नीचे के तरफ मोर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लियर चैट, ठीक है। तो जब क्लियर चैट लिख के आ जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बता देगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्लियर मैसेज इन दिस चैट, ओके। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। कैंसिल है, क्लियर है, तो क्लियर पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देख लीजिए, पूरा मैसेज क्लियर हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ऊपर का जो रहेगा ना, वो जहाँ पे आपका मैसेज वाला जो नाम रहेगा ना, वो वहीं पर रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे एक और मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर किसी और पर्सन का, अनदर पर्सन का, ये देख लीजिए आरिफ का, जैसे यहाँ पर आरिफ दिख रहा होगा, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस इधर एक ही मैसेज है, तो इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पे जाए, मोर पे जाए, उसके बाद में क्लियर चैट पे जाए, उसके बाद में यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर दें, ये लीजिए डिलीट हो गया। जो जहाँ पर वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ आईमो का। तो आईमो का सेम तरीका है, आपको आईमो को ओपन कर लेना है। उसके बाद में मैं अपना ये कुछ भेजा था मैसेज, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे जाना है, सेम जगह पे, यानी ऊपर के साइड राइट साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्या नाम यहाँ पर दिख जाएगा, एकदम नीचे के साइड में डिलीट चैट हाई स्टोरी, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर बता देगा डिलीट चैट हाई स्टोरी व्हाट, यानी ये नाम लिख के बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट कर देना है इसको इस तरीके से। आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर और कोई मैसेज आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो आप क्लियर कर दीजिएगा। जैसे कि और कोई मैसेज तो इधर नहीं भेजा हूँ। चलो इस तरीके से आप अपना क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए डिलीट चैट हाई स्टोरी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आपका
पूरा जो चैट किए होंगे या जो मैसेज भेजेंगे वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा डिलीट कर सकते हैं एक एक पर्सन का। आप अगर यहाँ हाई स्टोरी से, मैं बता देता हूँ सेटिंग से, अगर यहाँ से आप जाते हैं सेटिंग से, उसके बाद में आप यहाँ ऐप एप्लीकेशन से जाते हैं, ठीक है, ऐप में जाते हैं, उसके बाद में मैनेज ऐप में, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा आपका खुल के आ जाएगा, जितना भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आईमू लिख के आ गया, आईमू वाला, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए स्टोरेज पूरा 2 GB है। अब इसको डाटा स्टोरेज को आपको क्लियर करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लियर डाटा लिखा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा तो जितना भी है मेरा चैट रहेगा, जितना आना पूरा सब पूरा डिलीट हो जाएगा सामने से, ठीक है। तो मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो डाटा है ना, जो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रखा रहेगा, मैं एक एक पर्सन का अगर डिलीट करना है तो यह तरीका आपने अपना लीजिए, वरना आपको पूरा स्टोरेज खाली करना है तो आप यहाँ से क्लियर डाटा को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लियर डाटा को फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा, क्लियर चेस, ठीक है, तो आप इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।